नमस्ते, ओम नमः शिवाय। अभी हम स्टॉकहोम की सड़कों पर से गुजर रहे हैं और बहुत सुंदर शहर है। मैं इस शहर को एक दिन में तो नहीं देख पाया, तो इसलिए मैंने यहाँ 3-4-5 बार आने का निर्णय किया और मैंने अलग अलग जगह यहाँ घूमी हैं। हाँ, एक बात विशेष है कि खाने पीने की थोड़ी दिक्कतें ज़रूर हैं, क्योंकि हम जैसे जो शुद्ध शाकाहारी हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ 2-3 अच्छी जगह ढूंढी जहाँ के आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध है। बहुत सुंदर शहर है और बहुत अच्छा भी, लेकिन मैं इस बेहद आकर्षक माया जाल में बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचता हूँ और बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता हूँ, क्योंकि मुझे लोग हर जगह काम में जुटे हुए दिखाई देते हैं। वैसे ही जैसे कि हर देश में होता है, लोग अपनी अपनी इच्छाओं को पूरी करने में, अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करने में जुटे रहते हैं, तो बहुत अच्छा है। इस समय मैं कार में हूँ और मेरे साथ मिस्टर मेहंदी जी हैं। सो मिस्टर मेहंदी जी इज़ गाइडिंग मी इन स्टॉकहोम, वेयर टू गो एंड वेयर वी आर एक्चुअली। सो ये बहुत मोहक है मेरे लिए भी, क्योंकि मैं बड़े बड़े नगरों में पहले भी थोड़ा बहुत घूमा, लेकिन इस तरह से कभी नहीं घूमा, क्योंकि हमारी मर्यादाएं और हमारी परंपराएं जिस तरह से रहती हैं, हमें उनका भी तो ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन क्योंकि मेरे लिए भी ये क्षण बहुत अद्भुत हैं कि मैं नए देश में नई चीज़ों को देख रहा हूँ, लेकिन मूल रूप से आपको एक बात समझाना चाहता हूँ जो हमेशा बराबर रहेगी, चाहे देश में हो या फिर विदेश में, ये बदलती नहीं है। जैसे कि माया जाल, वैसे तो प्रकृति ही अपने आप में माया है। यहाँ सब कुछ जो प्रकृति में है, ये कैसे बना है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इसके पीछे एक रहस्य है। इस रहस्य को वही जानता है जिसने अपने जीवन में साधनाओं को साध रखा हो, जो जानता हो कि सत्य क्या है, और जिसने आत्मानुभव प्राप्त करके पूर्णता को प्राप्त कर लिया हो। ठीक, लेकिन माया जाल का ये जो विचित्र मसला है, इसको समझने के लिए आपको और गहरा उतरना पड़ेगा। एक तो ये माया जाल है जो प्रकृति ने बनाया, एक वो है जो हम मनुष्य ने बनाया, जिसको हम कहते हैं मैन मेड मैट्रिक्स। ओके, सो ये पूरा का पूरा जो वातावरण है, ये हम मनुष्य ने बनाया। क्यों बनाया? इसलिए कि हमारा जीवन सुखी हो सके। हमने बहुत अच्छी कल्पनाएं की, हमारा भविष्य ऊंचा होगा, हम सुरक्षित रहेंगे, हमारी पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी, लेकिन हम इसे बनाते चले गए, विकसित करते चले गए, और आपने तो देखा कि कितना विकास हुआ है, कितनी चीज़ें बदली, और ये महानगर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन इसी बीच में कुछ परेशानियाँ भी तो हमारे सामने आई हैं। जैसे कि एक परेशानी है, ये मैट्रिक्स, ये माया जाल आपको क्या देता है और बदले में आपसे क्या लेता है। हिमालय में हम प्रकृति के बीच में रहते हैं, तो प्रकृति हमारी रक्षा करती है, प्रकृति हमारा भरण पोषण करती है, और प्रकृति ही हमारे लिए मुसीबत भी बन जाती है। तो तब हमने इन शहरों, गाँव, नगरों की रचना की है ताकि हम यहाँ रहकर अपने आप को विकसित कर सकें। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हम अपने ही बनाए इस जाल में उलझ जाते हैं, जैसे कभी कभी मकड़ी अपने जाल में उलझ जाती है, तो सावधान रहने की ज़रूरत होती है। मैं किसी शहर के विरुद्ध नहीं हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी ह्यूमन सिविलाइजेशन, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी विलेज एंड एनी कस्टम, ओके, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट अबाउट माया, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक यू अ फाइटर, अ वॉरियर, अ रियल वॉरियर ऑफ माया, बिकॉज एवरीवेयर इज माया, जिसको हम कहते हैं कि माया सर्वत्र है, माया के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं हमारे जीवन में। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सबसे पहले माया को समझें, जो बाहर वाली माया है वो, और जो इन शहरों, इन नगरों में हमने मैन मेड मैट्रिक्स, मैन मेड माया जो हमने रची है, उसको समझें, क्योंकि हमने इसका निर्माण किया था अपने सुख के लिए, अपने विकास के लिए। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हमारा विकास सच में हो रहा है? कहीं हमारे साथ इस मैट्रिक्स में, इस माया जाल में कोई धोखा तो नहीं हो रहा? और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप इसे बहुत गहराई से खोजेंगे, इसे ढूंढने चलेंगे, तो आपको इस मैट्रिक्स में बहुत सी बातें ऐसी नज़र आएंगी जो साफ साफ झूठ हैं, जो आपको धोखा दे रही हैं और आपको नुकसान पहुँचाने वाली हैं। जैसे कि साधारण सा भोजन, आप भोजन करते हैं, वो भोजन भी तो बहुत परेशानी वाला है।
your food is not organic, you know that, and your food is mixed with, I don't know how many things are in your food, chemicals and genetically modified things, and you are taking a kind of poison, and this poison is not good for your health, not for your mind, and not for your heart also. So आपको ये जानने की ज़रूरत है कि भोजन जो आपको परोसा गया इस मैट्रिक्स में वो बेहद स्वादिष्ट है, लेकिन वो आपको विकसित नहीं होने देता. फिर ठीक ऐसे ही पूरा मैट्रिक्स आपको काम में लगाए रखना चाहता है. Everybody wants that you should do a job, okay, and follow some certain rules. Yes, it is good to follow some rules, but you are not a robot, okay? So you should live free. And what is a freedom? क्या है स्वतंत्रता जीवन की? जब आप इस मैट्रिक्स में रहते हैं तो आप इसके अभ्यस्त हो जाते हैं, महानगरों में रहने की, वहाँ की जीवन शैली की, और वहाँ प्रत्येक चीज़ें एक अलग तरीके से आपको मिलती हैं, एक नए ही रंग रूप में. तो ऐसे में आप ये निर्धारित नहीं कर पाते कि आपको क्या चाहिए और क्या चीज़ें आपको छोड़ देनी चाहिए. इसलिए इफ़ यू आर लिविंग इन सच मैट्रिक्स, इन सच माया जाल, मैन मेड माया जाल, देन यू शुड लिव वेरी केयरफुली, ओके? सो यू शुड बी अ फाइटर ऑफ, आई कैन से योद्धा तो आप हैं ही, लेकिन आपको यू शुड बी अ मास्टर ऑफ मैट्रिक्स, मास्टर ऑफ माया जाल. हाउ कैन यू बी अ मास्टर ऑफ माया जाल? With your intelligence. If you have intelligence, if you have a positivity, if you have a faith, then you can win this matrix, okay? Then you will be a master of this matrix, this Maya Jal. You should choose a good path, jisko hum kehte hain satya ka marg, the way of truth, okay? Agar aap satya ke marg par chalne ki koshish karte hain, तो आप अपनी जीवन शैली को देखते हैं, तब आप ये निर्णय करते हैं व्हाट शुड बी योर लाइफस्टाइल. हमारा जीवन शैली क्या है? क्या हमें सिर्फ अच्छा खाना खाना चाहिए या अच्छे कपड़े पहनने चाहिए? ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम क्या पहनते हैं, इसका भी ध्यान रखें. और हमें जो सूचनाएँ मिलती हैं वो हमें कैसे तराशती हैं, हमें क्या बनाती हैं, ये सब बातें सोचने की हैं. तो आप इस भ्रम में ना पड़ जाएं कि आप माया जाल में हैं तो आप नौकरी कर रहे हैं. इफ़ यू हैव अ जॉब, इफ यू हैव अ कार, इफ़ यू हैव अ अपार्टमेंट, देन इट मीन्स दैट यू आर हैप्पी एंड यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन. दिस इज़ नॉट अ डेफिनेशन ऑफ अ गुड ह्यूमन, ओके? एंड दिस इज़ नॉट अ, आई कैन से दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज इफ़ यू आर अ योगी, इफ़ यू आर अ सीकर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड सीकर ऑफ ट्रूथ, देन you cannot live like this, like ordinary human being are living in the matrix, because they are eating everything, they don't know what they are eating, okay? And they have some attraction about the fake attractions, they have such superficial or facial heroes, they are not real heroes. And agar aapke paas acche log nahi hai, aapke paas guru nahi hai, आपके पास सच्चा मार्ग नहीं है, आपके पास अच्छी पुस्तकें नहीं हैं, तो आप इस माया जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे. देखा ना आपने कितना सुंदर है ये माया जाल, दूर दूर तक इसमें आकर्षण ही आकर्षण छिपा है. यह आपको अपनी ओर खींचता है, आपकी इंद्रियों को संतुष्ट करता है, आपको आनंदित करता है. अगर आपको सच्चाई जाननी है कि सत्य क्या है, तो आपको अपनी इंद्रियों के सुखों से उस पार जाकर इस माया जाल को देखना पड़ता है. एंड इफ यू आर अ योगी, then this matrix is good to test you, okay? And then you can live here and test yourself, is this good for you or not? एक सच्चा योगी प्रयोग धर्मा है, वो देखेगा कि क्या चीज़ उसके लिए सही है और क्या गलत है. इसलिए शहरों, नगरों और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मेरे पास सीधा सीधा एक ही संदेश है कि आपको अब सही गुरु और सही रास्ते की ज़रूरत है, क्योंकि आप यहाँ गुलाम बनने के लिए नहीं आए हैं. यू आर नॉट अ सर्वेंट ऑफ द मैट्रिक्स, यू आर योर ओनर, योर ओनर योर सेल्फ, ओके? सो यू शुड
live a free life. But to be free, first it is important to understand what is the matrix, what is the Maya, man-made Maya. Then you can realize that you are not free, because यहाँ आपके ऊपर बहुत सारे बंधन हैं. सरकारें आपको ले जाना चाहती हैं, शिक्षण संस्थाएं जो आपको शिक्षा देती हैं उसके पीछे षड्यंत्र है, चिकित्सा सुविधाएं जो आपको दी जाती है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट, देर इज अ हिडन प्रोपोगेंडा बिहाइंड दीज ट्रीटमेंट्स. सो यू शुड बी क्लेवर, यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज फेक मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड अबाउट द मेडिसिन, अबाउट अदर थिंग्स, बिकॉज मैट्रिक्स आपको हर चीज में कुछ ऐसी चीजें देना चाहता है ताकि आप उसके हिसाब से चल सकें. इसलिए आपको, मैं उकसा नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि यू शुड गो बियॉन्ड द मैट्रिक्स और यू शुड अवॉइड दिस मायाजाल. नॉट, दिस इज नॉट अ वे. लिव इन दिस मैट्रिक्स बट लिव वेरी केयरफुली विद योर नॉलेज, क्योंकि मायाजाल को आप देख लीजिए. शिक्षा में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, आप और आपके बच्चे क्या जानते हैं? जो उनको बताया गया वो ग्रहण कर रहे हैं, अच्छा है आपके लिए, लेकिन इसमें सत्य बहुत कम है. जैसे मैंने बताया, खाने में अशुद्धियां हैं, पानी के पीने में अशुद्धियां हैं, हमारे कपड़ों में अशुद्धियां हैं. हमें कैसे जीवन जीना चाहिए ये हमको बाहर से लोग बताते हैं, और इनके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं. लाइक दे हैव अ टेलीविजन स्टेशन, दे हैव रेडियो स्टेशन, they have many things they are operating for impose their propaganda. और आपको लगता है कि वो जो बता रहे हैं और जो आपके दिमाग में आ रहा है वो आप सच सोचते हैं, क्योंकि आपको लगता है वो आप सोच रहे हैं, जबकि आपकी सोचने समझने की सारी क्षमताओं को वो निर्मित कर रहे हैं. उनकी दी हुई एजुकेशन, उनके दिए हुए कपड़े, उनकी दी हुई जुबान, जैसे कि मैं वही जुबान बोल सकता हूँ जो कि मुझे सिखाई गई है. इसलिए मैट्रिक्स ने आपको अपने भीतर फंसाए रखने के लिए बहुत से लोभ प्रलोभन दिए हैं. आप इससे मुक्त कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन यू बी फ्री फ्रॉम दिस फेक मैट्रिक्स, फेक मायाजाल? नंबर वन इज योर फूड सिस्टम. इफ यू टेक प्योर फूड, ऑर्गेनिक फूड, रॉ फूड, दैट इज द फर्स्ट की. एंड द सेकेंड थिंग इज फ्री फ्रॉम योर माइंड, बिकॉज they planned everything and they give you some type of illusions and you are living in those illusions. So first you have to remove all the illusions given by this matrix. So the way is meditation. So you have to learn meditation and then practice this meditation. If you do meditation, then this is a great power, then you can free from these illusion and then you are a free warrior of the matrix. And the third thing is that you should go to a good master, because a master can make you a master. Okay, इसलिए अच्छे गुरु की तलाश बेहद जरूरी है. आपको वो बताते हैं कि यहां पर क्या भ्रम है, आप इन भ्रमों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, और वैसी परिस्थिति में आप एक सही रास्ते का चयन करके अपने आप को एक सच्चाई के रास्ते पर ले जा सकते हैं. देखिए, आई कैन नॉट डिफाइन मायाजाल, मैन मेड मायाजाल इन सम वर्ड्स, बिकॉज इट इज अ वास्ट सब्जेक्ट. इट इज नॉट ईजी टू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस मैन मेड मैट्रिक्स, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग गुड, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, बिकॉज देर इज नो प्रॉब्लम. If you want to see where is the problem, if you want to know where is the problem, then you have to go in deep. क्योंकि सब चीजें बाहर से जैसी दिखती हैं, अंदर से वैसी होती नहीं है. जैसे कि आपने खाना खाया, स्वादिष्ट था, लेकिन उसके अंदर आपने क्या खाया ये आप नहीं जानते. जैसे कि आज दूध, दही, मक्खन, पनीर, हम कुछ भी खाएं, लेकिन वो सब जिन गौओं से आता है वो हमारी गौ माता है ही नहीं, क्योंकि उनके साथ जो छेड़छाड़ की गई वो आज से पहले किसी ने नहीं की. हमारी फसलों के साथ जो छेड़छाड़ की गई, गेहूं, अनाज, मक्की, ज्वार, बाजरा, कुछ भी अगर आप ले लें, सब्जियां तक हमारी खराब हैं. और ऊपर से हमारी विचारधारा, हमको टेलीविजन, मीडिया हमेशा नेगेटिव चीज क्यों दिखाता है? व्हाई मीडिया हैव ओनली नेगेटिव फेस? व्हाई दे आर
only telling you some lies and some sudden type of propaganda. If you are aware about the news system, then you can realize this. They are making a negative world. हम सीधा सोचना भी चाहें तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए ये चीजें बहुत घातक हैं. लेकिन फिर भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है. There are many souls who are full of love and full of compassion, and they are doing some good work for awareness, and they are doing well. मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारे लोग पश्चिम में भी इस बात को लेकर बहुत जागृत हो गए. वो इस माया जाल में रह रहे हैं, लेकिन अब वो इस माया जाल से मुक्त होना चाहते हैं. तो कोई ध्यान कर रहा है, somebody is doing meditation, someone is learning yoga, and someone is learning, someone is taking original raw food, and someone is listening the original and the pure music. These days, you know that every music is very much they have not original pulse in their not original rhythm and not original vibrations, okay, because they have not original instruments. तो वास्तविकता से जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि आपके मस्तिष्क को जो भी चीज चाहिए वो प्राकृतिक चाहिए, लेकिन उसको प्रकृति से काट कर उसके जैसा ही आपको कुछ नकली थमा दिया जाता है, और उसको थाम कर आप बहुत खुश हो जाते हैं. जैसे कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास सब चीजें हैं. आप मेरे साथ पूरा स्टॉकहोम घूमें, बड़ा मजा आया होगा आपको, मुझे भी आया, मेरी इंद्रियों को भी सुख मिल रहा है, मैं भी आनंदित हो रहा हूँ. लेकिन फंसने वाला नहीं हूँ इस चक्कर में. क्यों? क्योंकि अब मैं इस भेद को जान गया हूँ. इसीलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आप आनंद लीजिए. मैंने कभी नहीं कहा कि आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, कभी कहा ही नहीं. लेकिन आपको वो इंटेलिजेंस, वो ज्ञान प्राप्त करना है कि आखिर ये वास्तविक माया जाल और उसके भीतर ये मनुष्य निर्मित माया जाल है क्या, और कैसे ये हमको सोचने समझने की क्षमता को हमारी रोक रहा है, और कैसे हम अंधे होकर केवल मीडिया पर, केवल सरकारी तंत्र पर और इन सब चीजों पर भरोसा करते जाते हैं, जबकि उनको हमारी चिंता नहीं है. तो आपके पास जीवन जीने का मौका वैसे भी बहुत कम है, आपके पास एक ही मौका है. अगर वो आपको जेल में डाल देते तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए मुझे जेल में डाल दिया जाए, मैं क्या कर लूंगा? कुछ भी नहीं. तो इसलिए आप अपने जीवन को जीते रहिए माया जाल के भीतर, उसके नियमों को तोड़िए मत, लेकिन उसके सभी नियमों को मानना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप वहां मुक्त हैं अपने आप को सुखी रखने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए. इसलिए माया जाल का एक षड्यंत्र है, यहां पर बहुत सारे प्रोपोगेंडा है, आपको उसके लिए आज से ही तैयार होना होगा. क्योंकि मैं आपको एक दिन माया जाल के भीतर ले जाकर इसकी और असलियतों के बारे में आपको परिचित करवाने वाला हूं, क्योंकि मैं चुप रहने वाला तो हूं नहीं, आप यकीन मान लीजिए, भले कोई भी परिणाम हो, क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ ही मरने के लिए, मैं यहाँ आनंद मनाने के लिए थोड़ी हूँ. तो इसलिए मैं सच्चाई धीरे धीरे परत दर परत, तह दर तह आप तक पहुँचाता रहूँगा, और आपको ये बताता रहूँगा कि कैसे ये हमें मूर्ख बना रहे हैं, हमारी इंद्रियों को मूर्ख बना रहे हैं, और हमारी इंद्रियाँ सुख का अनुभव कर रही हैं और वो उनकी गुलाम होती जा रही हैं. वैसे भी हम पहले से इंद्रियों के गुलाम तो हैं ही, ऊपर से वो हमें गुलाम बना रहे हैं. तो कैसे आप मुक्त होंगे, कैसे आप इस बंधन से बाहर जाएंगे, ये सोचना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिंदगी सच मानो आपको दोबारा मौका नहीं देने वाली. इसलिए अपने आप को मजबूत कीजिए, बी अ स्ट्रांग योगी एंड डू समथिंग फॉर योर सेल्फ टू बी फ्री. एंड इस पूरे के पूरे माया जाल से मुक्त होने के लिए आज से ही प्रयास करना शुरू कर देना, क्योंकि आई एम नॉट डिफाइनिंग व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट इज मैन मेड माया जाल, बिकॉज आई विल टेल यू लेटर इन माई अदर वीडियोज, बिकॉज देन आई विल गो इन द डेप्थ ऑफ दिस सब्जेक्ट. बट टुडे आई एम जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ वार्निंग दैट वेयर यू आर लिविंग, दिस इज अ वेरी गुड प्लेस टू लिव एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी टू लिव हियर. But there is something wrong. And what is this wrong? You have to find this. इसलिए तब तक, जब तक कि मैं आपको ये सब और गहराई से ना बताऊं, मैं आपका केवल आज मन तैयार करना चाहता हूँ, आपका मस्तिष्क तैयार करना चाहता हूँ कि आप जहाँ रह रहे हैं
पहले, इससे पहले कि मैं आपके जीवन के बारे में आपको बताऊं, आपकी रोजी रोटी, आपका व्यापार बिजनेस सब चीज़ों के बारे में बताऊं, आपको कम से कम इतना सोचने के लिए खुद को राजी करना होगा कि क्या वास्तव में यहाँ कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है तो कहाँ है और किस स्तर पर है। क्योंकि ये बहुत छोटे स्तर पर गड़बड़ है लेकिन उसका प्रभाव आप पर इतना बड़ा है कि जिस दिन आपको ये मालूम चलेगा उस दिन आप सोचेंगे अरे मुझसे ये क्या हो गया, मेरा तो पूरा का पूरा जीवन यूं ही निकल गया। इसलिए सावधान रहिए, किसी चक्कर में मत पड़िएगा लेकिन सोचना शुरू कर दीजिएगा। जल्द ही मैं आपको इससे बाहर आने का और इसके एक एक रहस्य का परिचय करवाऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, प्रणाम, ओम नमः शिवाय। सो मेहंदी जी, प्रणाम, ओम नमः शिवाय।